नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार अनुभव न्यूज़ में। आपके साथ हूं मैं शुभम। आज स्टार अनुभव स्टूडियो में मेरे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ हैं यहां पर डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जो पेरेंट्स काउंसिल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार अनुभव के स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सेंट अगस्टिन डे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रिचार्ड गस्पर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार अनुभव के स्टूडियो में। सो कुछ जो मैंने आपसे जाना, आपके स्कूल में काफ़ी लंबे टाइम से पेरेंट्स काउंसिल चल रही है जी। तो पेरेंट्स काउंसिल जो चल रही है, काफ़ी पेरेंट्स ही नहीं जानते हैं पेरेंट्स काउंसिल है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आज का जमाना में जो हो रहा है, पहले फर्स्ट जो है, पेरेंट्स जो नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि उनको इसके बारे में बताया जाए। व्हाट इज पेरेंट्स काउंसिल? देखिए, मेन चीज है कि पेरेंट काउंसिल एक बहुत मुमकिन जगह होती है स्कूल में। ये जगह बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पेरेंट काउंसिल होती है ब्रिज, जो ब्रिज होता है स्कूल मैनेजमेंट के साथ से और पेरेंट लोग के साथ से, एक ब्रिज बनते हैं लोग। तो ये लोग की पेरेंट काउंसिल का ये काम है कि पेरेंट्स लोग को भी समझाना है कि स्कूल जो मैनेजमेंट, जो भी हम लोग जो डिस्कशन किया है, इसका एक कारण से हम लोग कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, कोई हम लोग जो आइडियाज़ को सजेशंस पर नो, जो नया नया चीज़ हम लोग जो उसको शुरुआत कर रहा है, जो इंट्रोडक्शन जो करा रहा है, ये चीज़ पेरेंट काउंसिल का ये जिम्मेदारी है उन लोग को बोलने के लिए। और दूसरा, हाँ, दूसरा साइड से आप यदि देखेंगे कि पेरेंट्स जो जिसका जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, पेरेंट लोग पेरेंट काउंसिल को बताते हैं, कि क्योंकि वो लोग भी कभी वो लोग का डर रहती है कि स्कूल के, अब डायरेक्ट हम स्कूल प्रिंसिपल के साथ यदि मेरा भेंट होती है कि मेरा क्या बोलते हैं, कुछ हम लोग प्रॉब्लम यदि स्कूल के साथ हम लोग ले आते हैं तो शायद स्कूल हम लोग को कुछ प्रॉब्लम में फेल सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग को, वो लोग का बच्चे को सज़ा भी दे सकते हैं हम लोग। तो ये कारण से पेरेंट्स लोग भी बहुत, जो उन पेरेंट्स है जो डर के मारे ये वो लोग का जो प्रॉब्लम, जो तकलीफ हम लोग के पास नहीं ले आता है। तो ये कारण से पेरेंट्स, जब पेरेंट काउंसिल होता है तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स लोग, पेरेंट काउंसिल पेरेंट्स लोग का साथ क्या बोलते हैं, वेट करते हैं और वो लोग के प्रॉब्लम्स, जो तकलीफ है वो लोग को सुन करके, हम लोग का जो पेरेंट काउंसिल का मीटिंग जब हम लोग का होती है, तब वो लोग उसमें दे आर, तब हम लोग का मीटिंग वो सब प्रॉब्लम्स जो कंप्लेंट्स होता है उसको हम लोग ले आता है। अच्छा, जावेद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप इतने दिन से, मुझे पता चला काफ़ी दिनों से आप सेंट अगस्टिन डे स्कूल में पेरेंट्स काउंसिल कर रहे हैं, आपको किस तरीके से वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको हैंडल करने में क्या फील होता है? पेरेंट्स काउंसिल कितनी ज़रूरी है? जैसे कि रिचर्ड सर ने कहा कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हिचकिचाते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास आने में, तो ये मुद्दा उनका, अगर कोई मुद्दा रखना पड़ता है तो वो लोग पेरेंट्स काउंसिल के पास आते हैं। हमारे हर एक क्लास के अलग अलग एक काउंसिल मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स को अपने जैसे कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो अपने क्लास टीचर या उस काउंसिल के जो मेम्बर है उसको बताते हैं ये तकलीफ कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ वो हुआ, तो फिर इसको हम लोग अपने मैटर को फिर हम लोग काउंसिल में, जब मीटिंग होती है हमारी हफ्ते या तीन हफ्ते में, दो हफ्ते में, तो हम लोग इसको काउंसिल में आगे फिर हम लोग उस बात को बढ़ाते हैं उस चीज़ को लेके, ताकि पेरेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है वो मजबूत रहे और जो भी प्रॉब्लम हो पेरेंट्स को फेस करने में स्कूल के फेवर में, तो वो ब्रिज हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर का एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है टीचर से हम लोग डिस्कस करते हैं तभी वो चीज़ें सॉल्व हो पाती हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स काउंसिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या रीज़न है कि पेरेंट्स काउंसिल ज़रूरी हो गई? पेरेंट्स काउंसिल एक बहुत ज़रूरी है हर एक स्कूल के लिए,
ये हमारे कलकत्ता में शायद सबसे पहले हम सेंट अगस्टिन डे स्कूल कोलकाता ने हम लोगों ने स्टार्ट किया और लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग ने देख रहे हैं कि बहुत अच्छा ये बॉन्ड लिंकेज है बिटवीन द स्टूडेंट एंड ए टीचर. एक छात्र और शिक्षक के बीच में जो बॉन्ड लिंकेज होना जरूरी है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए और उसके लर्निंग्स के लिए, उसके कैरियर्स के लिए ये जो लिंकेज बनाना है मुझे, ये फ्यूचर में उसको बहुत फ़ायदा करेगा एक स्टूडेंट को लेकर के. जहाँ तक है मुझे नहीं लगता कि 80% जो पेरेंट्स हैं काउंसलिंग के बारे में जानते हैं, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम लोग काउंसिल करते हैं. इसका इम्पोर्टेंस तो सबसे बड़ा महत्व ये है कि एक पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे वो स्कूल में क्या कर रहे हैं और वो जानकारी टीचर से मिलेगी. दूसरा चीज़ क्या है कि एक पेरेंट्स को सपोज किसी चीज़ की परेशानी हो रही है, वो प्रिंसिपल से मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो उसके जो मेंबर है काउंसिल के, जो मेंबर है उस क्लास के, जो पेरेंट्स काउंसिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको वो अपना प्रॉब्लम बोल सकते हैं और फिर उसको लेके हम लोग आगे विचार करते हैं मीटिंग में और उस पेरेंट्स के लिए, उस बच्चे के लिए, भविष्य के लिए उसको बहुत जानकारी मिलती है कि उसको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे गाइड करना है. ठीक है, फॉर मसलन फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक बच्चा को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है समझिए एक गणित सब्जेक्ट में या हिस्ट्री में, तो उसको टीचर समझा नहीं पा रही हैं और फिर पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको फिर हम लोग लेके बैठते हैं और पेरेंट्स के साथ भी लेके हम लोग बैठ करके उसको मैटर को सॉल्व करते हैं. ये तो अकॉर्डिंग जो आपने बताया, जो जावेद जी ने मुझे बताया, तो रिचार्ड जी आपके पास आना चाहूंगी. व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स, किस तरह से आप काम कर रहे हैं काउंसलिंग के साथ और जावेद जी के साथ? देखिए, पेरेंट काउंसिल का सिर्फ उन लोगों का मकसद सिर्फ ये नहीं कि जो उन लोगों का प्रॉब्लम्स, जो आपका जो सजेशंस, जो क्रिटिसिजम्स, ये सिर्फ ये लाना है. वो लोग का जो दूसरा मकसद भी है, लोग का एम ऑब्जेक्टिव्स भी रहती है. जैसे हम लोग एक लास्ट ईयर हम लोग का जो हुआ था कि पेरेंट काउंसिल जो मेंबर्स था डॉक्टर जावेद ही था, तो वो इनिशिएटिव लिया था कि एक मेडिकल चेकअप कैंप पेरेंट्स के लिए वो ऑर्गेनाइज किया था उसके लिए. तो ये हम लोग का बहुत सक्सेस हुआ था, बहुत सफल हुआ था और इसमें बहुत से पेरेंट भी जानकारी भी दे हैव कम टू नो अबाउट पेरेंट काउंसिल और क्या क्या काम हम लोग करता है. तो ये चीज़ है. दूसरा भी हम लोग क्या के एक फीडिंग प्रोग्राम भी हम लोग ऑर्गेनाइज किया था, वो गरीब बच्चे लोग को हम लोग का मोहल्ला में जो है, तो वो लोग के लिए भी पेरेंट काउंसिल ये सब स्टेप भी लिया था. एक सोशल सर्विस का क्षेत्र से एक काम हम किया था. मतलब आप बताना चाहते हैं कि आप इसके लिए कुछ कैंप्स वगैरह या कुछ प्रोग्राम्स भी करते हैं कि पेरेंट्स काउंसिल होनी चाहिए, उस तरीके से आप कुछ प्रोग्राम्स भी? तो ऐसा भी बहुत सारा हम लोग प्रोग्राम्स भी हम लोग एवरी ईयर हम लोग 3-4 प्रोग्राम हम लोग कैलेंडर में रहता है कि ये सब प्रोग्राम्स पेरेंट काउंसिल लोग ही लेते हैं. तो ये से इस कारण से क्या होता है कि हम लोग का जो पेरेंट स्कूल का जो है, सब लोग को अभी नॉलेज में आ गया है कि अभी हम लोग अच्छा पेरेंट काउंसिल है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो ये लोग की हम लोग का साथ में है, हम लोग का हेल्प कर सकते, मदद भी कर सकते. बहुत सारे पेरेंट्स जैसे अभी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब ये रूल्स है या इस तरीके से ज्वाइन करना होगा, तो अगर क्लियर होगा तो कुछ पेरेंट्स जो आपको ज्वाइन करना चाहें? देखिए, ये जो है पेरेंट काउंसिल, अलग अलग जो स्कूल होते हैं ये लोग का अपने आप वो स्कूल में एक पेरेंट काउंसिल ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो है दूसरा स्कूल का प्रॉब्लम समस्या जो है ये हम लोग का स्कूल में ले आने से तो हम लोग का इसको तो कोई सलूशन ही नहीं निकाल सकेगी, क्योंकि वो दूसरा स्कूल में, दूसरा स्कूल का दूसरा मैनेजमेंट सिस्टम्स अलग होता है, वो लोग का जो पॉलिसी स्कूल का भी है वो भी अलग हो सकता है. क्योंकि अभी जो आप जो बोल रहे कि
आउटसाइडर्स जो बोल रहे हैं, आउटसाइडर्स पेरेंट्स लोग जैसे हम लोग के पास पेरेंट काउंसिल ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप तो अपने स्कूल में चला रहे हैं जी, इतने दिनों से आप पेरेंट्स काउंसिल कर रहे हैं, बट कुछ पेरेंट्स जो आपको अभी आपका ये प्रोग्राम देखेंगे, इसके जरिए से वो लोग अगर जानेंगे तो वो कुछ रूल्स जानना चाहेंगे, आपको फॉलो करना चाहेंगे, किस तरह से वो लोग ज्वाइन करें, या आप कहना चाहते हैं कि आपके स्कूल से हटकर भी जो ऑल स्कूल्स हैं क्या उनको भी पेरेंट्स काउंसिल अलग से बनाने चाहिए? वो लोग भी अलग से बनाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप स्कूल जो ये कर सकते हैं तो वो लोग का बहुत सारा जो समस्या जो प्रॉब्लम्स है वो लोग सॉल्व कर सकते हैं स्कूल, क्योंकि अलग अलग स्कूल का अलग अलग का समस्या अगर प्रॉब्लम्स होती है तो ये ना कि एक स्कूल दूसरा स्कूल का प्रॉब्लम एक होगा, तो ये कारण के लिए जो पेरेंट काउंसिल जो दूसरा पेरेंट्स है वो लोग जो स्कूल में वो लोग का क्या बोलते हैं बच्चे पढ़ता है वो स्कूल में ही पेरेंट काउंसिल में वो लोग करना चाहिए। लेकिन दूसरा चीज़ है कि स्कूल भी पेरेंट काउंसिल को भी सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कि नहीं कि वो जैसा हम लोग का स्कूल पेरेंट काउंसिल ने हमें खुद ही बनाया, क्योंकि हम लोग सोचा है कि दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। मेरा सवाल डॉक्टर रिचार्ड से ही है अभी, डॉक्टर रिचार्ड क्या इस काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए जो काफ़ी पेरेंट्स आपको देख रहे हैं अभी और ये प्रोग्राम देख कर अगर वो आपको ज्वाइन करना चाहें तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या आपके स्कूल में ही उनको ज्वाइन करना पड़ेगा या आपके काउंसिल में या कहीं और भी? पेरेंट्स लोग जो भी है वो लोग दूसरा वो लोग का जो स्कूल में है जो स्कूल में वो लोग का बच्चा पढ़ता है इन दैट स्कूल ओनली आई फील दैट द पेरेंट्स शुड अप्रोच द मैनेजमेंट को दे शुड अप्रोच द मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्म द मैनेजमेंट उसको कि हम लोग का ये पेरेंट काउंसिल जो हम लोग करेगा उसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। तो ये कारण के बाद से पेरेंट्स स्कूल जो मैनेजमेंट भी है वो भी एक दे शुड लिसन टू द पेरेंट्स और व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या है, क्या क्यों हम लोग पेरेंट काउंसिल बनाया गया। हाँ, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में जो लोग नहीं जानते हैं इसको समझना चाहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम ज्वाइन करें। दूसरा चीज है ये जो मैनेजमेंट का स्कूल का तरफ से वो लोग का एक धारणा है कि पेरेंट्स काउंसिल बना रहा है कुछ वो लोग का फॉर सम ऑफ देयर ओन पर्सनल गेन्स, तो ये भी बहुत सारा स्कूल्स का मैनेजमेंट में ये आइडिया है कि फॉर दिस पर्पस वो लोग के लिए जैसे वो लोग प्रेशर बना सकते हैं स्कूल के कारण के लिए, तो ये कारण के लिए स्कूल मैनेजमेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग अ पेरेंट काउंसिल। लेकिन जब पेरेंट काउंसिल हैज़ बीन मेड फ्रॉम द स्कूल इट्सेल्फ तब वो चीज़ लेकिन इट बिकम्स मच मोर सॉलिड, वो चीज़ बहुत क्या बोलते हैं इट्स It becomes very interesting for the even for the parents that ये चीज़ है काउंसिल एक बनाया स्कूल एक हम लोग का एक प्लेटफॉर्म दिया है कि कैसे हम लोग कुछ कर सकें स्कूल के लिए स्कूल को बढ़ाया आगे जाके, तो ये सब चीज़ दिस इज़ वॉट जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर। मैनेजमेंट भी स्कूल का साथ हाथ भी देना चाहिए और ऑल्सो विद द पेरेंट्स दे शुड बी विद द पेरेंट्स। डॉक्टर जावेद मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि अगर जिस तरीके से डॉक्टर रिचार्ड ने बताया कि पेरेंट्स काउंसिल किस तरह ज्वाइन करें और दूसरे स्कूल्स में भी अगर आप उसको स्टार्ट करें तो इसके फ़ायदे होंगे, तो जो फ़ायदे बेनिफिट्स की ओर पेरेंट्स ज़रूर जाएंगे, पेरेंट्स ही नहीं वो जो भी ज्वाइन करेगा किसी भी क्लास में भी ज्वाइन करता है तो वो बेनिफिट्स देखते हैं, तो आप इतना दिन से इसमें ज्वाइंट हैं बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? बेनिफिट्स तो बहुत ही है, आप फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप कोई एक बच्चा जो पिछले 3 महीने से फीस नहीं दे पा रहा है ठीक है, तो उस बच्चे को हम लोग स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं पहली बात। दूसरी चीज़ की क्या कि पेरेंट्स काउंसिल जो बोर्ड है हमारा ये जो हमारा पेरेंट्स काउंसिल है इसमें हम लोग सोच विचार करके उस बच्चे को जितना सपोर्ट करना हम लोग करते हैं जितना भी सपोर्ट करना हम लोग करते हैं उसको फीस से लेके किताब से लेके कपड़े से लेकर के और भी बहुत सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करना हो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट है क्या कि उसके घर पे जा पकड़ के भी हम लोग देखते हैं कि उसका रहने का वातावरण कैसा है कैसे रह रहा है वो किस कठिन समस्या में वो रह रहा है वो उसको अफोर्ड कर पा रहा कि नहीं पा रहा उससे भी हम लोग सपोर्ट करते हैं बहुत उसको उस पेरेंट्स को ताकि उस बच्चे का भविष्य एक आगे चल के अच्छा हो। कुछ क्राइटेरिया है आपका? कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ें समझना ही नहीं चाहते। बहुत सा
देखिए पांचों उंगली तो कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो टीचर्स को बोल देंगे, अगर मार्क्स कम है तो स्कूल को बोल देंगे, तो कुछ पेरेंट्स जो कुछ समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा हो, एकदम सभी चाहते हैं, और पांचों उंगली बराबर होती नहीं है। आप भी पेरेंट्स हैं, आप भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स को लेके बोल रही हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर कुछ भी, जब मेरा बच्चा या आपका बच्चा कहीं भी डाउन होता है तो मैं स्कूल को ब्लेम करूंगी या टीचर्स को ब्लेम करूंगी, लेकिन हम लोग समझना नहीं चाहते हैं बच्चा कहाँ वीक है क्या है, उसको समझाने के लिए पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलेंगे? ये समस्या मुझे पिछले बहुत सालों से, मैं समस्या को फेस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस 5-7 पेरेंट्स को बैठा करके आपस में बैठ करके उसको मसला हल कर लेना, भाई आपके बच्चे, इनके बच्चे, इनके बच्चे, सब बच्चे बराबर, सब अच्छे हैं, सब ए ग्रेड हैं, सब ए प्लस हैं, लेकिन कुछ ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट भी होता है कि चलिए आपका बच्चा सब कुछ अच्छा किया लेकिन एक इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़ा खराब कर दिया, हिंदी में अच्छा किया, ज्योग्राफी में थोड़ा खराब किया, तो सबका बराबर एक होता नहीं है। अब सब समझिए, सब बच्चा 92% लाया लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत अच्छा है, तो उसको हम लोग चलिए फर्स्ट ग्रेड कर दिए, तो उसमें क्या बोलते, नहीं वो भी 85% लाया, ये भी 85% लाया, तो मेरे बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया, मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया, तो समझाना पड़ता है पेरेंट्स लोगों को। देखिए डॉक्टर रिचर्ड, आप प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के, तो कहां तक आप देख पाते हैं कुछ बच्चे कम मार्क्स लाते हैं, पेरेंट्स कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं स्कूल को, टीचर्स को, तो पेरेंट्स को कहां तक देखना चाहिए बच्चों को, किस तरीके से ट्रीट करें बच्चों को या सब्जेक्ट्स को, ये चीज कहां तक आप देखते हैं? देखिए ये चीज़ है, पेरेंट्स पहला बात जो डॉक्टर साहब बोला है कि पेरेंट्स लोग दे नीड टू अंडरस्टैंड कि सब बच्चे आर नॉट इन द सेम कैटेगरी, बहुत जन बच्चे जो बहुत तेज होते हैं, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन लोग का जो मैथ्स में बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश में बहुत खराबी है, तो ये चीज़ हो सकता है। एक भी बच्चा होता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, दे आर वेरी गुड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लेकिन इंग्लिश में वो लगा रिजल्ट ठीक नहीं होते, तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट लोग को काउंसलिंग ऑफ पेरेंट आजकल ज़माना में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट यदि काउंसलिंग नहीं, वो लोग नहीं मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे, मेरा बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, ये जैसा हम लोग का एक केस हुआ था कि पेरेंट स्टूडेंट जो है ये स्पेशल नीड्स का स्टूडेंट था, लेकिन पेरेंट जो स्कूल में वो एक्सेप्ट नहीं कर सक रहा कि मेरा बच्चा जो है वो एक स्पेशल नीड्स का कैटेगरी में वो एरिया में आ रहा है, तो हम लोग को बैठ के बहुत बार उसको बोला कि ऐसा ऐसा बात है, तो ऐसा कि पेरेंट्स लोग बोल रहा कि नहीं क्यों सर आप ऐसा बोल रहे हैं, मेरा बच्चा तो पागल नहीं है, तो ये करके उन लोग का समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज स्पेशल नीड्स, तो ये सब चीज़ भी हम लोग पेरेंट्स लोग को भी काउंसलिंग देना चाहिए, इस ज़माने में पेरेंट्स नीड मोर काउंसलिंग देन द स्टूडेंट्स, क्योंकि सब लोग की पेरेंट्स लोग का भी एक आइडिया जो है कि मेरा बच्चा जो है ये डॉक्टर होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए, ये जो भी इंजीनियर होना चाहिए, लेकिन आजकल जो ज़माना में जो करियर्स लेने, जो करियर्स आपने बातचीत करना है तो इसमें बहुत सारा करियर्स है, ये आजकल पेरेंट्स लोग में बहुत कम आइडिया है, ये कारण लेकर के उस कारण से पेरेंट काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग पेरेंट्स लोग के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स जो देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से डॉक्टर रिचर्ड डस्कर ने बताया यहाँ पर मुझे कि हर बच्चा एक तरीके से नहीं होता है, और मैंने एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आगे है, दूसरा बच्चा किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आगे है, कोई गेम्स में आगे है, हर चीज, तो पेरेंट्स को ये चीज समझनी होगी और पेरेंट्स ये चीज समझना नहीं चाहते, उसके लिए जरूरी है पेरेंट्स काउंसिलिंग, और पेरेंट्स काउंसिलिंग के लिए जो रिचर्ड डस्कर जी ने यहाँ बताया और डॉक्टर जावेद जी ने मुझे बताया, तो मैं और एक चीज यहाँ पे जानना चाहूंगी, स्टूडेंट किस तरीके से यहाँ पर जुड़ सकते हैं, हाउ टू स्टूडेंट कनेक्ट? यूजली पेरेंट्स काउंसिल में हम लोग स्टूडेंट को जोड़ते नहीं हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स इन्वॉल्व यूजली इसमें रहते हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स काउंसिल बच्चों से ही जुड़ी होती है, तो किस तरह बच्चे उससे जुड़े हुए हैं?
मैंने अगर पेरेंट्स काउंसिल आप में उसको अगर कोई भी गुत्थी है, कोई भी प्रॉब्लम है, जब आप उसको सुलझाते हैं तो बच्चे ही तो उसमें इन्वॉल्व है, आप बच्चों को लेके ही पेरेंट्स को कर रहे हैं, तो बच्चे किस तरह इन्वॉल्व है उसमें, बच्चों के लिए आप ये सब कर रहे हैं? ये देखिए, बच्चे का ये एक लिंकेज जो है स्कूल और टीचरों के साथ, ये लिंकेज का एक बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। ये बॉन्डे समझिए कि रिलेशनशिप टाइप का एक हो जाता है एक स्कूल में और एक पेरेंट्स में, उसके करियर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, ये मैंने बहुत ही महत्व है। ओके डॉक्टर रिचार्ड, जिस तरह से डॉक्टर जावेद आपको हेल्प कर रहे हैं पेरेंट काउंसिल में, काफी टाइम से हेल्प कर रहे हैं, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, हाउ डज द पेरेंट्स काउंसिल हेल्प द स्कूल? पेरेंट्स काउंसिल दे हेल्प द स्कूल इन मेनी वेज। आई वुड से दैट देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट आर देयर दैट हैव बीन सॉल्वड बाय द पेरेंट काउंसिल। We had many cases, indiscipline cases were there where the parents were not understanding the lot of the policies of the school. So that is when we had got a few of our parent council members and we sorted out the problems with the parent councils. More so nowadays you will see that related to the fee hikes, there is a lot of problems which are faced by schools with the kind of fee hikes that are given by schools. So what we generally do is we speak to the parents and we ask them that if we have a hike of this, then what do they suggest, whether it's going to create a problem, because since they are in touch with so many parents. So when it comes to a fee hike also, we have been taking their consent also. So this has really helped us a lot and we have never faced any problems related to fees. That's a very good thing which we have. What is the problem related to fees? That is the question. See, fees is sometimes some schools are there which do not, think and increase their fees. Just they feel that, you know. Because all parents know fees ke baare mein jante hain, so what type of questions, what type of problems aapko fees ke baare mein face karna padta hai? Fees is like, see, every parent, they have got a capacity of paying fees. Yeah. So, aisa ki hai, if depending on the kind of you have to also take the consent of the parents. Aisa ki you cannot irrationally, fees cannot be increased. We cannot do erratically. If your fees are going to be increased, then there is going to be a problem. So we need to take ideas from the parents that okay, if I increase it by a certain amount, whether this would be suitable, then we tell them that see, we have had these expenses. Yes. So whether it is okay if we increase it. So whenever we address it to the parents, we always inform them that the school has done these things for all the parents, for the students, for which there has been an increase of fees for so much. Then it is justified. But otherwise, if suppose you are just putting a fee, an increase of a fee to 200-300 rupees, it does fall a pinch on the parents. So this way it has helped us. They have helped the parent council have helped us in these ways. Then there are so many other issues, like as I said, health checkup camps have been one of them. They come forward and sponsor so many of the school events and programs. So we have found a lot of benefit having a parent council. We never faced any issues and problems with them. डॉक्टर जावेद, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, अभी जो मैंने सुना फीस को लेकर इतना कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो अगर फी एक स्कूल नहीं लेगा तो वो स्कूल को मैनेज कैसे करेगा? सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू मैनेज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड पेरेंट्स, आप किस तरह से मैनेज करते हैं इस सिचुएशन में? फीस को लेके जहाँ तक सवाल है, सेंट अगस्टाइन डे स्कूल कोलकाता जहाँ पे वो सिचुएशन है, अराउंड उनके चारों तरफ जो स्कूल हैं, अगर उनका स्कूल के फीस का कंपेयर करेंगे आप, तो हमारे सेंट अगस्टाइन डे स्कूल कोलकाता का फीस कंपेयर टू अदर स्कूल बहुत ही कम है, पहला चीज। दूसरा चीज कि स्कूल के तरफ से पेरेंट्स को उतना दबाव नहीं दिया जाता है कि आपको मंथली फीस दें। बहुत सा पेरेंट्स कैसा भी हुआ है कि वो लोग 6-6 महीना तक फीस नहीं दिए हैं और एट द टाइम ऑफ फाइनल एग्जाम देखा जा रहा है कि उनका 12 महीना का फीस बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फीस दे करके अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेते हैं। अगर नहीं भी लेते हैं तो कुछ क्राइटेरिया हम लोग रखते हैं स्कूल काउंसिल के ऊपर, उस क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग उसको रिपोर्ट कार्ड देके प्रमोशन अपना जैसे है उस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पेरेंट्स काउंसिल के आपके पॉलिसीज भी हैं जी,
एक वन ऑफ द मेन थिंग्स ऑफ पेरेंट काउंसिल इज पॉलिसीज का जो है एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वी हैव गॉट विच हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल द पेरेंट काउंसिल. एक है कि दे कैन नॉट कोई दबाव नहीं बना सकते स्कूल, दे कैन नॉट फोर्सफुली सम थिंग्स. वो लोग का पर्सनल जो एजेंडा है ये एजेंडा दे कैन नॉट ब्रिंग इट ऑन द टेबल. इफ इट्स समथिंग रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स वी वर नॉट एंटरटेन इंडिविजुअल्स इशूज, वी आर गोइंग टू एड्रेस इशू इन जनरल विच इज अफेक्टिंग मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. तो ये आर सम ऑफ द पॉलिसीज दैट वी हैव इनकल्केटेड. दूसरा चीज है कि फॉर पेरेंट्स लाइक एक ड्रेस कोड होना चाहिए. जब भी कोई स्कूल बच्चे लोग को ड्रॉप करना है तो दे हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ वैल्यूज. पेरेंट्स लोग एक वैल्यूज भी होना चाहिए कि एक पान दुकान के सामने सिगरेट डोंट हैव स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स बिकॉज देयर चिल्ड्रेन ऑल्सो आर देयर. सो दीज आर द थिंग्स विच वी ऑल्सो हैव मैंशनड मेनी टाइम्स इन अन पेरेंट काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट दैट पेरेंट्स हैव टू बी द टीचर्स ऑल्सो. एक वैल्यूज हैव टू बी बॉटन बाय द पेरेंट्स. इवन वी हैव ऑल्सो gone out to help the police also because as you know helmets has become a big issue. A lot of people wear helmets, a lot of people don't wear helmets. So we have made a request to most of the parents who are dropping their child in the bike that their child must have the helmet and they must also have the helmets. So this has also been followed a lot by the parents, and we have watch on all these parents who come without the helmets and definitely actions are taken on them. तो ये सब बहुत सारा policies has been amended and made. ये तो आपकी तरफ से policies हैं, आप पूरा कोशिश कर रहे हैं parents council की तरफ से, Saint Augustine Day School कोलकाता से. But किस तरह से आप changes ला सकते हैं council की तरफ से, ये मैं question आपसे करना चाहूँगी जावेद जी. Saint Augustine Day School कोलकाता में आप जो council कर रहे हैं इतने दिनों से, आप किस तरह से change ला सकते हैं parents की जो मैं जो thing बताया हम लोगों ने ये जो काउंसिल स्टार्ट किया था तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखा गया है कि बच्चे जा करके अपने पिताजी को माताजी को कहते हैं कि पापा जब मुझे आप स्कूल छोड़ने जाओ तो प्लीज़ हमारा भी हेलमेट ले लो. ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ एक देखा गया है. दूसरा चीज कि हम लोग आगे जो प्लानिंग हमारा है इसी 2-3 महीने के अंदर होगा, हम लोग एक पीस मार्च निकालेंगे जी. पूरे पेरेंट्स को लेकर के हमारा एक साइलेंट मार्च होगा. उसमें क्या क्या चीज़ जो इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए जानकारी, जैसे स्कूल के बाहर हॉर्न नहीं बजाना, स्कूल के बाहर सिगरेट नहीं पीना, स्कूल के बाहर स्कूल के बच्चे को छोड़ के आप घर जाएं, वहाँ पे अड्डाबाजी करना या गुफ्तगू करना, टाइम वेस्ट करना, ये सब चीज़ को लेकर के हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. एक पीस मार्च हमारे एरिया में होगा, कैलकाटा 16 कैलकाटा 17 में हम लोग ये प्रोसेस में लगे हुए हैं कि एक स्कूल की तरफ से हम लोग एक पेरेंट्स काउंसिल की तरफ से हम लोग मार्च निकालेंगे रिलेटेड टू द. आप कहना चाहते हैं कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए अपने बच्चों के लिए, कम बहुत जरूरी है. डॉक्टर रिचार्ड, जो पीस मार्च के बारे में मुझे डॉक्टर जावेद ने बताया, पीस मार्च किस तरीके से आप अरेंज कर रहे हैं और क्या क्या आपके प्रोग्राम्स हैं कौन सा पेरेंट्स काउंसिल को लेकर? See, we've had a discussion in our meetings of the parent council. So in that meeting we have had a discussion of how they will begin. Rather, this suggestion has come in from one of the parent council members itself. Humse mera dimag se nahi aaya ye. So a parent has saying that why not, you know, create an awareness among all the parents, not only of my school but also the other areas, because jo mohalla mein to sabhi to rehte for parents from different schools. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू, क्योंकि हम लोग भी पेरेंट्स लोग भी माँ बाप लोग है, हैव टू टीच सम काइंड ऑफ वैल्यूज टू द चाइल्ड. तो यदि हम लोग घर का तरफ से इफ वी आर नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ वैल्यूज, तो स्कूल का जो वैल्यू स्कूल में जो सिखा रहे हैं दैट विल बी ऑफ नो यूज. दो हाथ से ताली बनता है. सो दिस इज द रीजन हाउ द पेरेंट्स हैव स्पोकन एंड इट वॉज वेरी इंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग दैट द पेरेंट्स हैव टेकन दिस इनिशिएटिव. They should also have said that, see, if we should not be using abusive language in front of our students members of the schools. So that way even the ijjat hona chahiye, which should be given to the
the teachers, who are the all the service staff of the school. Otherwise, what will my child will not have any respect for that for the teacher. कहीं ना कहीं इस चीज में गिरावट आई है. मैं मेरे भी कुछ आंकड़े हैं जो मैंने देखा है कि टीचर्स को रिस्पेक्ट अभी पेरेंट्स हर चीज में ब्लेम कर रहे हैं. लेकिन एक टाइम था माने गुरु जैसे बच्चे मानते थे. तो क्या आप भी उस चीज को फेस करते हैं? ये दिस थिंग इज लाइक यू नो मेन थिंग इज विद द चेंज ऑफ टाइम देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग. क्योंकि बहुत सारा पॉलिसीज हैव बीन एडेड इन. गवर्नमेंट बहुत सारा रूल्स भी कर दिया है कॉर्पोरल पनिश के ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट. तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स लोग को सब लोग का उन लोग का राइट बहुत बनता है. तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ से स्कूल मैनेजमेंट प्रॉब्लम में हो सकता है. दे कैन बी इन प्रॉब्लम टीचर कैन गेट इन टू प्रॉब्लम. तो ये कारण के लिए आई फील दैट यू नो देर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सल्यूशन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. And for these reasons, I felt that it is was needed also to have a parent council so that parents can be addressed. They should understand that the school is not their enemies. The school is their a place. It's a place and it's a temple of education. So all yes. So everybody wants to. But what happens is that a lot of parents take a lot of undue advantage of the school because when they understand that the laws. Are supporting them. Advantages, they take a lot of advantage of the school because of these loopholes which are there in the system of because of the policies which have been given by the government. For example, this corporal punishments. If certain thing has not happened. Dr. Javed, मैं आपसे जान लेना चाहती हूँ. Importance क्या हुआ? Last में एक चीज जब उनको बताना होता है कि ये सब करना है, आप ये सब कर रहे हैं. सर ने बताया कि उनको इसलिए ये सब करना पड़ रहा है. बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स काउंसिल? नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट काउंसिल फॉर द चिल्ड्रेन एंड फॉर द पेरेंट्स आई कैन से इट इज मोर इफेक्टिवली इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू बिल्ड अ बॉन्ड बिटवीन द स्कूल एंड द टीचर एंड द स्कूल एंड द पेरेंट्स. एंड इट इज मोर एक्टिवली इन फ्यूचर इज गोइंग टू हेल्प द चिल्ड्रेन for the careers in their future life. अभी मैंने बात की यहाँ पर सेंट ऑगस्टिन डे स्कूल कोलकाता के प्रिंसिपल डॉक्टर रिचार्ड डैसपोर और डॉक्टर जावेद जी से जो उस स्कूल में काफी दिन से काउंसलिंग कर रहे हैं. आगे की और भी अपडेट्स के लिए और भी जानकारी के लिए देखते रहिए स्टार अग्रवाल न्यूज़.